गुड मॉर्निंग क्लास 8 चैप्टर 3 द सेल। द सेल में व्हाट इज सेल, डिस्कवर योर सेल, सेल थ्योरी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका लिया था स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हमने आपको लास्ट क्लास में डायग्राम बनाकर स्ट्रक्चर बताया था सेल होता क्या, उसका वर्क क्या होता है। तो उसमें हमने कल आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बनी से फ्रॉम स्फेरिकल टू रॉड शेप। माइटोकॉन्ड्रिया स्फेरिकल भी हो सकता है और रॉड शेप में भी हो सकता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एक होती है अपर लेयर, एक होती है इनर लेयर। ऊपर वाली लेयर कहलाती है आपकी अपर लेयर, अंदर वाली कहलाती है आपकी इनर लेयर। अब जो आपकी इनर लेयर है ये फोल्ड करके क्या फॉर्म करती है, ये क्रिस्टिया, क्रिस्टिया को फॉर्म करती है, जिसमें कि एंजाइम्स होते हैं आपके। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें एक आपकी अपर लेयर होती है, इनर लेयर होती है। इनर लेयर फोल्ड करके क्या बनाती है, क्रिस्टिया फॉर्म करती है, उसमें क्या रहते हैं आपके एंजाइम्स रहते हैं, जो आपकी केमिकल एनर्जी और बायोलॉजिकल एनर्जी का कन्वर्जन करते रहते हैं आपकी बॉडी में वर्क करने के लिए किसी भी लिविंग सेल में। सो हमने आपको बताया था नेक्स्ट क्लास में इसके फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेंटर ऑफ ऑक्सीडेशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आपका ऑक्सीडेशन का एक सेंटर है। वेयर द केमिकल एनर्जी स्टोर, जहां पर क्या होती है आपकी केमिकल एनर्जी स्टोर रहती है, इन द फूड इज चेंज, जो आपके फूड में केमिकल एनर्जी प्रेजेंट है वो चेंज होकर किसमें बन जाती है, आपकी बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जो आप फूड इंटेक करते हो उसमें क्या रहती है आपकी केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब क्या है आपकी केमिकल एनर्जी। लेकिन ये केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, आपकी बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, आपकी यूजेबल एक्टिविटीज करने में, जो आपकी लिविंग एक्टिविटीज होती हैं, आप कुछ वर्क करते हो या यहाँ से काम वॉकिंग करते हो, तो ये सब क्या होती है आपकी बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर लाइक अ पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आपका सेल का पावर हाउस है, वेयर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू द अनदर यूजेबल एनर्जी। एक फॉर्म एनर्जी मतलब आपकी केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, या आपकी बायोलॉजिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क होता है एनर्जी को कन्वर्ट करना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया टू फॉर्म एटीपी मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट आया है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, अंदर क्या पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल कंप्लीट नहीं हुआ अपना, इसको भी जब लास्ट क्लास कंप्लीट करेंगे तब बताएंगे। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल कंप्लीट हो चुका है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल हमने पढ़ा था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लास्ट, क्रोमोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब लास्ट क्लास में पता चले। उसके आगे के टॉपिक ये माइटोकॉन्ड्रिया और उसके फंक्शन। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका साइटोप्लाज्म। द सेल कंटेन अब्स्ट्रैक्ट मटेरियल कॉल्ड साइटोप्लाज्म। हमने आपको बताया सेल में जो आपका फ्लड मटेरियल होता है, फ्लड मटेरियल मतलब लिक्विड मटेरियल जो भी होता है वो क्या कहलाता है आपका, साइटोप्लाज्म कहलाता है। Dissolvents the cytoplasm are mainly enzymes, messes, sugar and other molecules. अब आपके cytoplasm में क्या होते हैं, बहुत सारे enzymes dissolve रहते हैं, dissolve मतलब घुले हुए रहते हैं, like amino acids, sugar, enzymes. The cell use these molecules to maintain life. अब cell क्या करता है, ये जो आपके उसमें molecules fill हैं, वो क्या करता है, energy के लिए, जिससे cell को energy मिलती है, जिससे जो कि आपके cytoplasm में मटेरियल डिसॉल्व है आपके अमाइनो एसिड, सुगर, ठीक है, एंजाइम्स। हंड्रेड ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। अब आपके साइटोप्लाज्म में क्या है, जितनी भी आपकी केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है वो कहां पर होती है, आपके साइटोप्लाज्म के फ्लड में होती है। सेवरल एक्सट्रीमली स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब आपके सेल में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स रहती है, ठीक है, इन सब को नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया और फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, इसके बाद आगे का सेल स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।